നമോ രന്താണം നമോ ശുദ്ധാണം നമോ ആര്യനം നമോ വജ്രായനം നമോലോയേ സവിശാവനം മംഗളം ഭഗവാൻ വീരോ മംഗളം ഗൗതമഗണി മംഗളം കുന്ദകുന്ദാദ്യോ ജൈന ധർമ്മോസ്തു മംഗളം സർവമംഗള മംഗളം സർവകല്യാണകാരികം പ്രധാനം സർവധർമാണാം ജൈനം ജയതു ശാസനം മോക്ഷേ മാർഗശിനീതാരം വേതാരം കർമ്മിവൃതാം ജ്ഞാതാരം വിശ്വതത്വാനാം വന്ദേ തദ്ഗുണലോദയേ ശാസനായകവീരഗണ ചരണനി കരോ പ്രണാമ മഹീപാല ചരിത്രികോ കൗമാഗുണ സതീർത്ഥ വീര പ്രഭു കാ ജഗ മേ പ്രവർത്തേ നിജ തത്വേ ബോധി പാകരി ശവിലോകി അരിഷി ദുർവാവിന നാവേ മന മേ കദാപി നിർവിഘ്ന നിർവികാരി ആരാധിനാം പ്രവർത്തി നിർവിഘ്ന നിർവികാരി ആരാധിനാം പ്രവർത്തി ഉണ്ണി പാപിക്ക് വിചിത്രത തുമേ ദിഖാതേ മൈ പാലിക മംഗള ചാരിതി തുമേ സുനാതേ സുനോ ജീ മംഗള ജൈന പുരാ ന്യാസോ ജീവന് വനി മഹാന് ഏക ഐസാ ചരിത്ര ജോ ഹമേ വാസ്തവ മേ നാനാ ഉദയോ കേ ബീച് മേ ധർമി ജ്ഞാനി കിസ് പ്രകാര സേ वेद विज्ञान कर साम्य भाव को धारण किया करते हैं उनका ये मंगलकारी चरित्र। पुराणों में नाम भी बड़े दुर्लभता से होता है जिनका प्राप्त, ऐसे श्री महीपाल कुमार का मंगलकारी चरित्र। आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर आप आपके चित्त पर वही असर करता है जो चरित्र आपने देखा है सुना है,
चित्त को चरित्र से निर्मल करो और निर्मल चित्त में चरित्र को पाओ। अर्थात ये वो चरित्र हैं जो हमारे चित्त को निर्मल बनाएंगे, और जब चित्त निर्मल हो जाएगा तब ऐसा चरित्र हमारा हो जाएगा। इसीलिए जब इन महापुरुषों के चरित्र को हम बांचते हैं तो अंदर से आने लगता है ऐसा ही जीवन जीने का भाव। आज हमारी पुराण बंद होते जा रहे हैं, इसलिए हमारी पवित्र शीलमयी अहिंसामयी पवित्र संस्कृति खोती जा रही है। मंगलकारी पुराणों के अंतर्गत आज अपन प्रारंभ कर रहे हैं कुमार महीपाल का मंगलकारी चरित्र। भरत क्षेत्र मालिवादी सिंह आवंती नगरी सुजान, निह सियन पराजि करें प्रजापालक ओ गुणदान। मोई पाल उन्हीं के सुपुत्र दिखाते हैं, मई पाल चरित्र मई पाल कुंवर का मंगल चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन उरा या तो जीवन बनी महा। भरत क्षेत्र आवंती नगरी, उस आवंती नगरी के महाराजा, आवंती नगरी के महाराजा, उन महाराजा का नाम था राजा नृप सिंह। उनकी धन्य रानी ने एक धन्य पुरुष को जन्म दिया, उसका नाम था महीपाल। माता उस महीपाल को बचपन से ही स्वयं ही पूर्व भव का संस्कारी कुमार, और माता ने भी मंगलकारी संस्कारों से उसे सजाया है। वही कुमार कैसा था जिसको मंगलकारी संस्कारों से माता ने सजाया था। धर्मी रुचि संस्कार वाणी को सहजी हुई सुकुकार, सब संसारे असारी लगे लागे सारी समय सा। संसार असार लगता था। संसार असार लगने का अर्थ है पर्याय दृष्टि से देखना बुरा लगता था।
पुद्गलिक प्रदेशों में ठहर करके ठहरना बुरा लगता था। एकत्व विभक्ति से बाहर जाना अच्छा नहीं लगता था। संसार असार लगता था तो समय सार सार लगता। समय सार सार जिसे लगता है उसे कोई पर्याय दृष्टि से नहीं दिखता। वही नाना उदयों के मध्य में उन उदयों में नहीं बैठा करता। वही सदा एकत्व विभक्ति परमात्म तत्व को जो सौंदर्य है उस सौंदर्य को निरखा करता है। काम भोग उसे सुहाते नहीं। आत्मिक वैभव प्रकट कर प्रमत्ता प्रमत्त गुण भेदों से पार चैतन्य निहारा कर। ऐसा कुमार बोलो कौन? महीपाल। उस महीपाल को नहीं भाता था चैतन्य से बाहर जाना, लेकिन चैतन्य के बाहर जाना पड़ता था तो नहीं जाता था जिन मर्यादा के बाहर, गुरु आज्ञा के बाहर। भाई गुरु आज्ञा के बाहर जाओगे तो दुखों की बौछारें आएंगी। जिन आज्ञा गुरु आज्ञा तुम्हारे जीवन को सुख और शांति प्रदान करने वाली है। कैसा क्या निहारा करता था वही कुमार। त्रिविध करम मल शून्य प्रभु और माई बातें हैं। मई पाल चरित्र सुना मई पाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा नियासो जीवनी बनी मां। शास्त्र विद्या कुमार छह माह से एक वर्ष दो वर्ष पढ़ता गया। पिता ने लौकिक गुरु के पास में शिक्षा देने भेज दिया, लेकिन अलौकिक गुरु स्वरूप आत्मा तो वो स्वयं जानते थे। लौकिक विद्या शास्त्र विद्या आदि लौकिक विद्याएं सवई थी सीखी, परिवृत्ति उनमें नाई रमे अंतर रस वो पीवे। पिता महाराजा नृप सिंह धर्म की कोई विशेष रुचि थी नहीं, लौकिक विद्याएं सिखा दी। लेकिन संस्कारी कुमार जो पूर्व से संस्कार लेकर के तत्व के आए थे, मैं तो सदा शुद्ध चैतन्य में ही एक परम ज्योति हूँ, ऐसे संस्कार उनके सहज पने उभरे और वही उन्हें कुछ सुहाता नहीं था। भव्य एक बार तू आत्मरुचि में ही सम्यक्त कर लेना, कहीं भी चला जाएगा जगत तुझे रुचेगा नहीं। कसाई की मंदता मात्र में मत अटकना। आज तुझे प्रभु रुच रहे हैं, गुरु रुच रहे हैं, कल तीव्र झपाटे में वो ही संसार रुचने लगेगा जिसे तू छोड़ कर आया था।
बाई अध्यात्म विद्या सन्मुख वो सब सुन लगते हैं। मई पालिका मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराणी आसो जीवन बनी मान। बाई में जिन भक्ति दानादि कार्यों माई बरते। कुमार बाहर की चरिया जिनेन्द्र की भक्ति दान आदि शुभ कार्यों में बर्तन किया करते थे। पात्रों को भक्ति पूर्वक दान, दीन दुखियों को करुणा पूर्वक दान, और ये करते हुए रखते थे भेद विज्ञान कि मैं तो दाता नहीं हूं, मैं तो ज्ञाता हूं। और ऐसी उनकी लेकिन अंदर में देख परिणति, बाहर में इसमें बरतते थे, अंदर में मैं तो ज्ञाता द्रवी हूं। ए सो बाप भी मेरा स्वरूप नहीं है, आत्मा के लिए आत्मा ही उपाधि है, ऐसा कुमार महीपाल अंतर में जानते थे। देखे परिणति कुंवारि कियो निप्र को खेद और भरते। युवावस्था आ गई थी, कुमार भगवान की भक्ति का विशेष रस था। ताल बजाते थे जन्मंदिरों में अपने मित्रों के साथ में और भक्तियों में मग्न, दान दे रहे हैं, लोकोपकारी कार्य कर रहे हैं, आ बड़े बड़े धर्म आयोजन कर रहे हैं। और कुमार तो भगत के रूप में ही पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गए, बड़े पवित्र कुमार है। जब इनका राज्य आएगा तो धर्म का साम्राज्य आ जाएगा, और जब धर्म का साम्राज्य आएगा तो सुख शांति छा जाएगी, बड़ी प्रसन्नता। लेकिन ये होने पर भी राजा निप्र सिंह को तो क्या लगता था, क्या संभालेगा ये राज्य, सोच कर दुख को बेधते हैं। मई पालिका मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा निया तो जीवन बनी मां। ये तो शास्त्रों के अध्ययन में लगा रहता है, ये तो दानाधिकारियों में बरतता रहता है, क्या ये राज्य संभालेगा। कभी शस्त्र विद्याओं का प्रयोग नहीं किया करता है, लेकिन राजा को क्या मालूम कि वो प्रयोग किया करते थे। निज परम पैनी सुबुद्धि छैनी डारी अंतर वे दिया, बरना दिया रुरागा दिते निज भावि को न्यारा किया। वो सुबुद्धि रूपी परम छैनी से बरने रागा जिस निहारे अपने परमात्म तत्व को देखा करते थे। और जहां ये होता है वो दान आदि कार्य होते हैं, वहां वे लौकिक विद्याएं प्रयोग ना भी करें तो अंदर से और आ जाती हैं कि पुण्य कहाँ जाएगा, पुण्य अपना फल दिखाए बिना रहेगा नहीं, पाप अपना फल दिखाएगा, पुण्य अपना फल दिखाएगा। तू तो पुण्य पाप से न्यारा, परम फल चैतन्य को का पाते रहना, ये तो सब चलता रहेगा। राजा को बड़ा खेद हुआ, तो मंत्रियों ने बताया, महाराज देखो अभी तक अकेले हैं, बाबा जोगी की तरह हैं, उनकी भाषा में कहें तो लगेगा ही इनका, आपको कुछ खबर है, कुमार की उम्र हो गई है, अब उनका ऐसी कोई योग्य कन्या के साथ विवाह कर दो
तो इनको अपने आप संसार का रस लग जाएगा और ये अपने आप उसके राग रंग में मग्न हो जाएंगे और धर्म क्रियाओं को भूल जाएंगे। संसारी करस लगाने अर्थ निपति उनका व्याय रचाए। सुंदर कन्या सोम श्री संग कर ब्याई वो तो खुशियां मनाए। मोई मोई के गर्त में गिरा कर मोये बस खुशियां मनाते हैं। अरे मई पालिका मंगलकारी चरित सुनाते हैं। जैसे कोई चोर डाकू हुआ करते हैं और वे जिससे माल लूटना है उसको किसी गड्ढे आदि में गिरा करके खुशी मनाते हैं, चलो अब निकल नहीं पाएगा। ऐसी ये मोई मोई के गड्ढे में गिरा कर खुशियां मनाया करते हैं। धर्मात्मा साधक अगर साधना करना है तो मोहियों की मत मानना। लेकिन महीपाल का तो उस जाति का राग था, विवाहाधिकारी हो गए। धर्मी के हृदय में राज तधर्म में कभी न छूटे भाई। विवाह भले हो गया, ज्ञानी पहले ही कवच धारण करते हैं। सम्यक्त का वो कवच है जो कभी इन राग के प्रहारों से राग का प्रहार तुम पर होने नहीं देगा। धर्मी के हृदय में राज तधर्म में कभी न छूटे भाई। वन में हो या गृह में हो ज्ञानी बाई ज्ञायक भाई। भावे रहो मंदिर में भावे रहो वन में। मंदिर का अर्थ बनारसी दास जी ने घर की, मंदिर का अर्थ कई जगह आता है, तो मंदिर का अर्थ जिन मंदिर नहीं, मंदिर का अर्थ होता है राज, राजा का मंदिर, राज मंदिर, ये मंदिर। तो मंदिर का अर्थ होता है निवास स्थान, घर, स्थान, स्थान विशेष। तो भावी रहो वन में भावी रहो मंदिर में, लिखते हैं मंदिर मतलब घर में हो चाहे वन में हो, ज्ञानी का चित्त तो निज में होता है, ज्ञानी का चित्त तो गुरु चरणन में होता है। सुखबुद्धि निज आत्मा में सदा वर्तते है। अरे मई पालिका मंगलकारी चरित सुनाते। विषय के बीच में रहे लेकिन आत्मा के लिए आत्मा उपाय। सुख तो मेरे में, शांति तो मेरे में, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, ये तो मैं स्वयं ही हूं। ऐसी सुख बुद्धि तो आत्मा में रहती नहीं, आत्मा में रहती है पर में रहती नहीं, इसीलिए कोई विषय उनको लूट नहीं सकता है। तो सोमश्री के साथ में भी विवाह भले हो गया लेकिन कुमार की धर्मचर्या पर कोई असर नहीं पड़ा। वैसाई दान, पूजा, लोकोपकारी कार्य, आत्मचिंतन, मंथन, कुछ भी असर नहीं पड़ा। ऐसे आत्म स्वरूप को बाने जिन भक्ति माही भरते हैं। शुद्धोपयोग कबाई निमित लखे उल्लास सोवरते। अपने आत्मा को बहाने के लिए अगर परम उल्लास ज्ञानी को होता है तो भगवान की भक्ति का हुआ करता है। इसलिए भाई अपने बंसुरी बजाना, अपना ताल बजाना और वो भक्ति आदि में आप पुराण माचोगे ना तो कुमार को बड़ा रसिया भगत माना गिना जाएगा। वही भक्ति वही गायन करना। कुमार इकट्ठे हो गए और जाके मंदिरों में कभी कभी धर्म अपने राजमहल में ही और नाना प्रकार की संगीत विद्या भी सीख ली थी। जैसे राग हो तो वैसे उस जाति के भाव भी आते हैं, तो बजाएं और गाएं और वो ही सब करें। और पर बावे उपादे बुद्धि वो नहीं धारते हैं। उत्कृष्ट भक्ति होती है लेकिन उपाधि नहीं लगती। उपाधि आत्मा के लिए आत्मा है ऐसा उनको भाषित होता है।
आत्माई आत्मा को उपादेय जानू भाई, श्रद्धो भावो सतत सुध्याओ ज्ञायक प्रभु सुखदाय। श्री जी ने भक्ति माई ज्ञानी ज्ञाता को बाते हैं, मई पालिका मंगलकारी चरित सुनाते हैं। और यहाँ तक कि वो राज वधू राजकन्या यानी महिपाल की धर्म पत्नी सोमश्री, सोमश्री धर्म परायण धर्म में करे सहयोग, स्वानुभूति में समकित से भूषित मिल गया से जइयो। कोई कितना ही करे कुछ गिरा नहीं सकते। उस कन्या की रुचि धर्म की, तो वो अपने पति को धर्म परायण देख कर बड़ी प्रसन्न होती, और अब तो उनके साथ में गायन भक्ति दान आदि कार्य वेद विज्ञान की चर्चाएं और विशिष्ट होने लगी। पहले तो मित्रों के साथ और घर में आकर सो जाते थे, तो अब तो रात को और चर्चाएं होने की। दोनों तत्व चर्चा आदि में उल्लास सुवर्तते हैं, मई पालिका मंगलकारी चरित सुनाते। थोड़ी वो रुचि वहां थी, मई पाल का समागम पाया और विशिष्ट रुचि हो गई, और इतनी रुचि हो गई कि अब तो धर्म चर्चा ही रात्रियों में हुआ करती थी। पति की धर्म साधना में करे सदा सहयोग। और पहले दान आदि देने के भाव आते थे, कभी हार दान का योग नहीं बनता था तो कहते अपने हार दान देंगे। पात्रों को दाना दे के मैं करती है वह सहयोग, ताले मृदंग बजाता महीपाल वो गायन करती हैं। अरे मई पालिका मंगलकारी चरित सुनाते। राजा को पता चला, कुछ परिवर्तन आया कि परिवर्तन कुछ नहीं आया, बढ़ गया। क्या बढ़ गया? अब तो वो गा बजाता है और बदू गाती है। अच्छा, चर्चाएं होती हैं उनकी, तो अब तो पहले दिन में मित्रों के साथ रात को कुछ नहीं होता, अब तो रात को अपनी धर्म पत्नी के साथ चर्चा वो सब होती। ओ, राजा एकदम उत्तेजित हो गया, अब ऐसे कार्य नहीं चलेगा। कुमार राज्य कार्यों को भी देखा करता था, लेकिन राजा कहे कि धर्म चर्चा और धर्म कार्य छोड़कर लग जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। सब समाचार पाने को क्रोध भर आया, ये क्या संभालेगा राज ये गमानी आया। दान देना ये करना ये राज क्या संभालेगा, जा जाकर वहां दे आया वहां करे आया। बुला कुंवर से बोले ये सब छोड़ो, हम आज्ञा देते हैं मई पालिका मंगलकारी चरित सुनाते। कुमारचर्या क्या है? आज पिता ने आपको राज दरबार में बुलाया है, और राज दरबार में बुलाने के बाद में बोले मैंने अकेले में कई बार इशारे और समझाया, आज निर्णय लेना होगा। मंत्रियों से कहा कि या तो उसको ये छुड़वाओ, और नहीं आज मैं बहुत बड़ा निर्णय लेने जा रहा हूं। बोले क्या करते हो? कि पिताजी सुबह राज के कार्य आदि आदि अब सब देखते हैं, फिर पूजन भक्ति दान परोपकार आदि कार्य, और हमने सुना है गायन वजन, पिताजी ये तो मेरा रस है जिन भक्ति का, ये तो मैं करूंगा, ये राजाओं को ठीक लगता है।
पिताजी त्रिलोक के नाथ की सेवा करना, भगवान के गीत गाना, गुणानुवाद करना, ये क्या है? राजाओं के राजकुमार शस्त्र चलाया करते हैं कि बांसुरियां बजाया करते हैं? पिताजी जब जरूरत पड़ती है तब बांसुरी भी बजती हैं और युद्ध में शस्त्र भी चल जाएंगे, ऐसी बात क्या है? जिन भगवान सामने होंगे, जब आप पिताश्री आप मेरे सामने होंगे, तब मैं आपकी विनय के वचन ही कहूंगा। जिन भगवान सामने होंगे और जिन भगवान की भक्ति होगी, तो है योगराज नहीं रहता, भगवान के चरणों का सेवक बन जाता है। उस समय पिताजी ताले बजने लगती हैं, बांसुरियां बजने लगती हैं। राजाओं के राजकुमार बांसुरियां बजाया करते हैं। पिताजी इसमें अन्यथा क्या हो गया? मेरी समझ के बाहर है पिताजी। भगवान की भक्ति उल्लास से करना, ये तो हम तो कुछ भी नहीं है पिताजी। जब इंद्र भगवान की भक्ति में नाचा करता है, तब मैं तो बांसुरी और ताल मृदंग आदि की बजाता हूँ। अच्छा, तो तुम तर्क दिए जा रहे हो, तुम इंद्र महाराज सब बन जाओ। तब बोले, सुनो, आज के बाद महलों में ये बांसुरियां मृदंग आदि कोई आवाज नहीं आएंगी। और सुनो, जितने तुम वो बुलाते हो, भोजन कराना, दान देना, ये करना, ये सब बंद करो। प्रजा के उद्धार के लिए मुझे क्या करना है वो खुद विचार करूंगा। और ये धर्मचर्या सीमित करो, बस थोड़े गए और आ जाया करो मंदिर आदि से। राज्य संभालो, राज्य के कार्यों में उपयोग लगाओ। पिताश्री, ये आपका कहना सत्य? किसने कहा मैं राज्य कार्यों में उपयोग नहीं लगाता हूँ? मंत्री जी बैठे, कल ही हम राज्य की सीमाओं का क्या है, कौन कौन? हाँ, बोले महाराज, कुमार बहुत आगे की सोच के चलते। क्या सोचेगा बांसुरी बजाने वाला, ताले बजाने वाला? मैं आज्ञा देता हूँ, या ये ताल मृदंग दान धर्म काम बंद करो, या मेरी आज्ञा है। तब वे क्या बोले हैं? ये तात प्राणी जाए तो भी धर्म को मैं नाई तजू, ये सब योग धर्म का ही है और मैं तो लगू। पिताश्री, ये राज्य मिला है, ये बुद्धि मिली है, ये आप जैसे पिता मिले हैं, उल्टे उल्टे नहीं, धन वाले पैसा ऐसा ही बोलेगा, ये थोड़ी कछु। ये जो सब कुछ मिला है, ये राज, ये वैभव, ये सब इतने उत्तम कुल में मैंने जन्म ले लिया है, ये सब धर्म का ही है। और जो मुझको आज ये सब सुनने को मिल रहा है, ये सब अधर्म का है। आज मेरे पिता मुझसे ऐसा बोल रहे हैं, ये धर्म का नहीं है, ये मैंने किसी से कहा होगा पिताजी। लेकिन ये कुछ महीपाल जो कुछ खड़ा है, वो रंक है, दीन है, पशु है महीपाल, तो मुझे पशु से यहाँ लाने वाला, यहाँ से सिद्धालय ले जाने वाला एक धर्म ही है पिताजी। मैं धर्म तो नहीं छोड़, राज कार्य को भी योग्य समय पर हम करते हैं। आप कहते राज कार्य, आप जो कहते हम करने को तैयार है। इस राज्य की तरफ कोई निगाह उठा करके नहीं देखा, निगाह जब तुम्हारी ताल मृदंगन से हटे, जब तो देख पाओ पिताजी, पूछो कल हमने सीमा देखी, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहां इस राज्य की सेवा में ही महीपाल पहले प्राण दे देगा, मेरे बाण नहीं दिखे अभी तक। सज्जन भक्ति हुआ करती पिताजी, आप उसकी तरफ से निश्चिंत रहो। ए राज संपदा भी जिन भक्ति से पाई ना, उसके छूटते ये राज संपदा छूट जाएगी, साकच छोड़ देगी साथ। बड़े विनय से हाथ जोड़ के नाथ, हे तात, हे मेरे पूज्यवर,
ये राज्य संपदा मैंने भगवान की भक्ति से पाई है। ये सुख मिला है मुझे वो सब भगवंत की भक्ति से मिला है। अगर ये छूट गया तो ये सब साथ छोड़ के चली जाएगी ये भी। जिन भक्त सहित जंगल में भी राज्य संपदाएं पाते हैं, मई पालिका मंगलकारी चरित सुनाते। जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से, राम भगवान की भक्ति रखी थी, तब श्री राम जंगल में भी राजा हो रहे थे। और राजा भी वनों में भटका करती यदि उनके चित्त से धर्म चला जाया करता है। कभी भाई किसी के लिए, कोई नौकरी के लिए, कोई बाहर के किसी को खुश करने के लिए अपनी धर्म क्रिया को मत छोड़ना, धर्म को मत छोड़ना। तूने धर्म को तू छोड़ देगा, सुख तुझे छोड़ देगा। धर्म में तू चित्त जोड़ेगा, सुख तेरे से आकर जुड़ जाएगा। पाप धर्म को आप ग्रहण कर, सुख अपने आप आ जाएगा। पाप को यदि आप लाओगे, दुख अपने आप आ जाएगा। और तो मैंने कहा छोड़ेगा कि नहीं, मैं तेरा पिता हूं, मैं तुझसे कह रहा हूं, ऐसी कटोरे आज्ञा ना दो, प्रार्थना चरणन माई। बड़े विनय से चरण छुलाए, ए आए ऐसी आज्ञा कठोर मुझे मत दो पिताजी, मैं आपके पैर छूता हूं। और ये जो भी आज्ञा दोगे, उसी से धरूंगा चरणन माई। और जिन इस आज्ञा के अलावा धर्म विरुद्ध ये आज्ञा मैं नहीं पालूंगा, पालना नहीं, पाल नहीं सकता। और जो आप कहोगे मैं आपका सेवा में, इस राज्य की सेवा में मैं अपना शीश भी कटा दूंगा। क्रोध पैर छूरा है, मंत्री कह रहे महाराज समझो कुंवर सत्य कह रहा है, लेकिन वो तो क्रोधी था। क्रोध तो भी निप का शांत न होते पाते हैं, मई पालिका मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, आज तो जीवन बनी महा, ए राज वैभव मेरा दिया, कहे तू जिन भक्ति सो पायो। अबे तो तुझे राजा मैंने बनाया भी नहीं, युवराज कौन ने बनाया? युवराज का तिलक मंत्री मैंने मिलकर इस राजकुमार का किया, इतना बड़ा राज्य बढ़ाया मैंने बढ़ाया। और जी कह रहा है मैंने भक्ति से पाला, मैंने जिनेन्द्र भगवान के ताले बजा बजा के पाया है इसने। तो कह रहा क्यों मंत्री, मैं खोज खोज के बड़ी राज्य बढ़ाने के लिए लगा रहा राज्य रहा, और जी कहता ताल मृदंग बजा बजा करके मैंने भक्ति से पा लिया ये राज्य। अगर नहीं छोड़ता तो छोड़ राज्य फिर भक्ति से पाओ। अगर तू भक्ति नहीं छोड़ना चाहता है, छोड़ दे राज्य, अब पाइये भक्ति से बजा बजा करके, फिर पाना इतना बड़ा राज्य। अरे भूखा मरेगा, पुराणों की बात का याद करे तो क्रोध में क्या निकलता है, घर दर दर का भिखारी बन करके भटकेगा, तब तुझे पता चलेगा भक्ति से राज्य पाया है। छोड़ जा राज्य और पा लेना भक्ति से। धर्म या राज्य में से चुन, हम तो कहते हैं। आवाज हुई पक्का ही देख लेते, या तो तू ये सब छोड़ या राज्य छोड़ जा, मेरी सीमा से बाहर निकल जा। धर्म में से या राज्य में से तो ये जो चुनना हो वो चुन ले। बोलो क्या चुनना है? तुझे जो चुनना है सोच ले, अभी वो सोचने का अवसर हो तो चला जा, बाद में उत्तर दे देना कल ला करके। कल के लिए क्या जरूरत है, कल को सोच के बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा। अरे जाके पूछ ले, तेरी महारानी से वो तेरा सहयोग करेंगी कि नहीं करेंगी, जाके पूछ ले तेरे मित्रों से
जो आज तेरे संग मृदंग बजाया करते हैं, गायन कराया करते हैं। जब ये राज से निकल जाएगा जब तक करेंगे कि नहीं करेंगे, सोच ले अभी अवसर है, मुझे अभी भी नहीं बाद में जवाब दे देना। धर्म छोड़ चक्रीन राज के पदवी सवई दूर। पिताजी सोचने के लिए मुझे क्या है, मेरे पास तो निर्णय अभी ही है, मुझे किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। जिसे साथ छोड़ना वो तीन लोक छोड़ दे, परंतु मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा। सभी छोड़े दे साथ मुझे चिंता नहीं, धर्म छूटे नाथ बस चिंता यही। इसको बाते हुए इसको ध्याते हुए आनंद मगन रहेंगे हम। जिंदरम जिंदरम तेरा समझा मरम, तेरी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। हम रहे ना रहे इसका कुछ गमी नहीं, तेरा नाम ही तो अमर कर देंगे हम। धर्म छोड़ चक्री इंद्राधिक पदवी सबई दूर, दरिद्र हो वनवास करूं तो भी धर्म न छोड़ूं मूल। पिताजी धर्म को छोड़ करके चक्रवर्ती की संपदा भी आ जाए मुझे, मैं उसको भी धूल समान छोड़ दूंगा। भूखा हूं प्यासा हूं वन में पड़ा हूं, कुछ खाने पीना ना रहा हूं, यदि चित्त में मेरे धर्म है तो भी मैं आनंद मगन रहूंगा, धर्म को मैं नहीं छोड़ूंगा। बोले तो धर्म सन्मुख सबई धूल, हम तो लगते हैं अरे मई पल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण या सुजीवन बने मान, तो तजो राज आज ही। तो सुन लो मेरी भी सुन लो, तुम्हें सोचने को समय नहीं है, तुमने अपना निर्णय ले लिया तो फिर मेरा भी निर्णय समझ लो। मंत्रियों महाराज महाराज सोचना क्या सोचना, जब इसको सोचने को समय नहीं है तो मैं क्यों सोचूं। सुन फिर मेरी आज्ञा। तो तजो राज आज यदि जिद नहीं छोड़ते, पश्चाताप मिलेगा ये जिद माई हम तो हैं लगते। कुमार अगर तू अपनी जिद नहीं छोड़ता है तो सोच आज ही मेरे राज को छोड़ देना, मेरी राज सीमा से निकल जाना, तुझे मात पश्चाताप मिलेगा। तब बोले कुंवर पश्चाताप तो तात अज्ञान में पाते हैं, मई पाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण या सो जी बनी बनी मान। तात पश्चाताप तो अज्ञानी पाते हैं, अज्ञान में पाते हैं, कसाई में किए गए कार्य नियम से पश्चाताप देते हैं पिताजी। अगर मैं कसाई में कर रहा होता, अज्ञान में कोई कार्य कर रहा होता, बेहोश होकर कर रहा होता तो मैं पश्चाताप करता, पर मैं तो जिना ज्ञानुसार अपने पिता की विनय ना छोड़ते हुए मैं ये कार्य कर रहा हूं। पिताजी मैं तो कोई कसाई में हूं नहीं, जब मैं कसाई में कार्य नहीं कर रहा हूं तो मुझे पश्चाताप क्यों करना पड़ेगा। रही बात राज भोजन ये सब उदय के खेल है,
जो होगा ते होगा, परंतु मैं धर्म तो नहीं छोड़ूंगा। आप कहते हो फिर कहां से आएगा दान देने के लिए? अरे जो होगा उसमें दान दे दूंगा। और मेरे हमारे आवश्यक तो ऐसे हैं जिन आवश्यकों में धन और राज्य संपदाओं की जरूरत नहीं। भगवान की पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, दान, अरे जो हमारे पास है उसमें से थोड़ा वो दे दिया, हो गया दान। जरूरी थोड़ी है करोड़ों रुपए दे पाए दान। तब हमारे सब धर्म क्रिया किसी उदय की सामग्री की मोहताज नहीं हुआ करता है। धर्म धर्म तो उदय अतीत परमात्मा को देख करके उदय अतीत परमात्माओं की आराधना में बरतता हुआ प्रणाम, देख करके आराधना में बरतता पुण्य धर्म व्यवहार निश्चय धर्म। मंत्री प्रोहित आदि सभी नृप को समझाए। महाराज कुंवर अभी छोटी उम्र का है, सब समझ आ जाएगी। जब ये राज संभालेंगे तो अपने आप मृदंग बंद हो जाएंगे। अभी कह रहे भी क्या, थोड़ा मनोमनोद के लिए अगर वे कार्य कर भी लेते हो तो आप विकल्प क्यों कर रहे हो उनको? इस बात को यहीं समाप्त कर दो ना महाराज। लेकिन राजा नहीं माना। पर नेत्र के कसाय बस वे कुछ कह समझा नहीं पाए। जैसी हो नार जीव की वैसी बुद्धि पाते हैं। वही पालिका मंगलकारी चरित सुनाते हैं। अज्ञान में समझ नहीं। बहुत समझाने का प्रयत्न कर रहे थे मंत्री, महाराजा, महारानिया, सबने समझाया। लेकिन ज्ञानी कहते हैं हमारे अज्ञान में समझ नहीं होती। अज्ञान में समझ नाई, अभिमान समझने ना दे। बड़े पंडित जी साहब का मंगल वाक्य। अज्ञान में समझ नहीं होती, अभिमान समझने नहीं देता है। इनके बस ओ जीव देखो नितई दुख भोगते। अज्ञान और अभिमान तो भी इनको तजना ना चाहे अश्रज दिखाते हैं। मई पाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। जब आखिरी में बोले हैं जो आज्ञा के ज्ञानीवान चरण छू के चल दियो सुख का। जो आज्ञा पिताजी, आप राज्य छोड़ने की कह रहे, मैं आपकी इस आज्ञा को पालने तैयार हूं। इस आज्ञा मैंने कहा भी था मैं मस्तक आपके चरणों में रख दूंगा। हे पुत्र, अगर आपने ये कह दिया कि मेरी दो आज्ञा है, चाहे ये पाल ले चाहे वो पाल ले, तो मैं ये वाली आज्ञा पाल ले लेता हूं। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं आपकी आज्ञा को पालता हुआ प्रसन्नता से रहूं और जाकर चरण छूए हैं। हे पिताजी, मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए आज ही इस राज्य लक्ष्मी को छोड़ करके चला जाऊंगा। अरे पिता की आज्ञा पालन में छोटा सा राज्य क्या, मैं सब छोड़ सकता हूं। आपने राज्य छोड़ने को कहा है, मैं इस आज्ञा को पाले लेता हूं। और जब ये कुमार ऐसा कह रहा था सबकी आंखों में अश्रु आ रहे थे। कठोर चित्त तो कठोर बना हुआ था, बड़े पैबने से पैर छुए हैं और चल दिए। शांत ओ राज को शांति राज की मानो वो तो साथ ही लेके चले।
राजा को क्रोध शांत नहीं। मंत्री कह रहे हैं कुंवर तुम नहीं जा रहे हो, ये हमारे राज्य की शांति जा रही है, समृद्धि जा रही है, सुख जा रहा है, समझ जा रही है, कसाई आ रही है, क्योंकि जो कसाईयों में कार्य जहां हुआ करते हैं कुंवर वहां पर उपद्रव हुआ करते हैं। ही मंत्रियों आप मेरे तात्तुल्य हो, लेकिन आप ही कहो मैं क्या कर सकता हूं। पिताजी ने जो मुझे आज्ञा दी है वह आज्ञा मैं पालन करने जा रहा हूं। आप सब भी मेरे लिए भावना पाना कि मैं पिता की आज्ञा पालते हुए प्रसन्न रहूं। माँ को सांत्वना दे, माँ के निकट गए, ये मैया माँ रोने लगी, तू बता माँ मैं राज छोड़ दूं कि धर्म छोड़ दूं। बेटा मैं कब कहती हूं तू धर्म छोड़ देना, अगर मेरा लाल होगा तो तीन लोक का वैभव तज देगा रे, पर धर्म न छोड़ेगा कभी मुझको विश्वास है ये ही। अरे पर बेटा पिताजी को कुछ इंतजार करता, पिता ने जब कह दिया है। माँ आप चिंता नहीं करना, मैं शीघ्र ही जैसी कोई व्यवस्था होती है आपको बुलवाऊंगा, आपको लेने आऊंगा। माँ तू महिपाल पर विश्वास तो कर, माँ महिपाल के पास साथ में बहुत बड़ा शासन है, धर्म है। और माँ को सांत्वना दे करके माँ से आज्ञा लेकर के पहुंचा है। पितानी जो पिता ने राजा जिन भक्ति में से चुनने को कहा, अपनी पत्नी सोमश्री के पास पहुंचा है कि आज बड़ी विपदा आ गई है। बोले क्या आई? कि एक विचित्र विपत्ति हमारे सामने आई है। क्या ये स्वामी बताओ तो से कि पिताश्री ने हमारे सामने दो बातें कही हमें से कि हे महिपाल पिता को ये राज भक्तियां दान आदि कार्य उत्तम नहीं लगते। तो ये कहा है, क्या कहा है? बोले स्वामी कि या तो तुम राज चुन लो और या धर्म चुन लो। तो मैं तुमसे पूछने आया हूं कि मुझे क्या करना, मुझे क्या चुनना चाहिए? तुम्हारा इसमें क्या सुझाव है? तुम मेरी धर्म पत्नी हो, तुम एक राजा की राज रानी हो, एक और जंगल के दर्द दिन होंगे, एक और पति तुम्हारा बहुत दूर होगा, एक और धर्म है, पिताजी कहते रूढ़ी से धर्म क्रिया करे आना थोड़ी बहुत, और कुछ नहीं करो, राज राजाओं जैसे रंग बिरंग में मग्न रहो। तो मैं इस धर्म को छोड़ू के राज को छोड़ू? जो सोम श्री ने ये सुना, क्या सुना है ये वार्ता सोम श्री ने सुनते ही कि पिता ने ऐसा कहा है, और जे सुनते ही उसका घूमने लगा कि तुम मुझे बताओ कि
कि मुझे क्या चुनना है। और आंखों में से आंसू फूट पड़े, मूर्छा जाने लगी, रोने लगी, स्वामी आज मैंने बहुत बड़ा दुख देखा, आज दुख का पहाड़ मेरे ऊपर टूट पड़ा स्वामी। हरे रे, तुम मुझे बता दो ना, क्या बात है स्वामी। ऐसा कहते और आज मेरा सब लुट गया, आज मेरा सब लुट गया। अभी तक मैं बहुत आनंद में थी। किसी दरिद्रीद के दशा में भी प्रसन्न मैं रह लेती, पर ये वचन सुनकर मुझे मृत्यु क्यों नहीं गयती। मैंने सुना मैं किसी दशा में, आज मुझे मृत्यु क्यों नहीं आ गई, आज मेरा सब चला गया। महिपाल बोला, क्या चला गया, अभी तो अपने पास धर्म भी है, राज्य भी है, तू क्यों सोच रही है ऐसा, जल गया क्या है। बोले, आज मेरे स्वामी चले गए, आज मेरे नाथ चले गए, ना जाने बे मेरे नाथ, बे नाथ आज मेरे चले गए। क्या बोलती है तुझे, और क्या हो गया, मैं तेरे सामने खड़ा हूं और कह रही है मेरे नाथ चले गए। स्वामी, जिसके हृदय से धर्म चला जाता है उसका सब जगा जाता है। मेरे स्वामी तो चले गए। बोलो स्वाम श्री, ऐसा क्यों कह रहे कि मेरे स्वामी तो चले गए। बोले मैं कहां, मैं तो बता रहा हूं तुझे। स्वामी, धर्म में या राज्य में क्या चुनना है ये तुम पूछने के लिए मेरे पास आए। अरे आपने सोचा क्यों, और यदि धर्म के लिए किसी दूसरे के लिए लाए तो धर्म तो हमारा चला गया ना। आपने उस समय ही सोम श्री को समझा क्यों नहीं, और सोम श्री यदि राज्य पसंद करती थी तो सोम श्री के लिए धर्म क्यों छोड़ा आपने। आपने आज ये निर्णय क्यों, अगर स्वामी मैं अभी पूरी रात जो किसी दरिद्र स्थान पर भी होती तो मैं खुशी मना रही होती, परंतु आज मेरे स्वामी ने मुझसे राज ऐसा सोच के आए कि मैं सोच कर बताऊंगा, इससे बड़ा दुख मुझे और कुछ हो नहीं हो रहा। ताव मई पाल प्रसन्न होता हुआ बोला, मैं तेरे से अति प्रसन्न भया, तूने मेरे हृदय को जान लिया, अब सुन सत्य बात को। तब सोम श्री की आंखें खुल पड़ती हैं। क्या है स्वामी सत्य बात, क्योंकि सत्य कुछ और ही है कि हाँ कुछ और ही है। तो स्वामी मेरे प्राण बचाने के लिए आप सत्य बता दो, क्या है सत्य। तो महीपाल बोला, बताऊंगा। बोले कब बताओगे, मैं तो अब वो तो अभी बता रहे थे, लेकिन हम कहेंगे कल बताएंगे। क्या सत्य बताएंगे, कैसी खुशी होगी उस धर्मपरायण
स्त्री सोम श्री के लिए कैसे जंगल में जाएंगे, कैसी विपदाओं में, कैसे कैसे जहाज डूबेंगे, कैसी कैसी स्थितियां बनेंगी, क्या भक्ति से वे साम्राज्य दोबारा प्राप्त कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। उनने धर्म के लिए सारा सुख छोड़ दिया है, वो धर्म उनके लिए कैसे वे खुशियां ला करके देगा। अभी सोम श्री राज्य छोड़ेगी कि नहीं, सोम श्री से भी कहेंगे अब तुम तो यहीं रहो, लेकिन वो धर्म की मूर्ति क्या जवाब देगी। अभी निर्णय चलने के लिए दोनों के बीच में क्या संवाद होगा, प्रजा का क्या होगा, सब आदि घटनाओं के सुनने के लिए महीपाल का मंगलकारी चरित्र आप समय पे आकर के श्रवण करना। महीपाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुरा नियासो जीवन बनी महा।